हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे लर्निंग टेक्निकल्स 777 पे। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को पबजी से रिलेटेड छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, पबजी से रिलेटेड, पबजी गेम से रिलेटेड। दोस्तों, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। एक सपोज़ करिए, एक आपको मैं काम दे रहा हूँ करने के लिए, और मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं आपको इस काम करने के लिए मैं आपको पैसे दूंगा, तो आप उस काम को करेंगे? यहाँ पे आपके दिमाग में दो तरीके की बातें आ रही होंगी कि या तो आप उस काम को पसंद करते हैं या तो उस काम को नहीं पसंद करते हैं। अगर आप उस काम को नहीं पसंद करते हैं, फिर भी आप थोड़ी देर सोचेंगे कि चलो यार कर लेते हैं क्योंकि कुछ पैसे मिलेंगे। अगर आप इस काम को पसंद करते हैं, उस केस में आप उस काम को करने के लिए आपका जो जोश है, एंथुजियाज़म है, वो और डबल हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे दोस्तों, पबजी जो गेम है, उस गेम में अगर आपको कोई चीज़, अगर आपको खेलने का कोई, अगर मान लीजिए मनी मिल रहा है उस चीज़ को खेलने के, आपके सपोज़ के लिए पैसे मिल रहे हैं, तो आपका एंथुजियाज्म जो है डबल हो जाता है। वहीं पे अगर आप खेल रहे हो, इफ़ यू आर नॉट अर्निंग एनी अमाउंट ऑफ मनी वाइल प्लेइंग, तो यहाँ पे एक तरीके से आपका टाइम वेस्ट भी है, और टाइम वेस्ट करने के साथ साथ आप अपनी आँखों को भी कमज़ोर कर रहे हैं एक तरीके से, अगर आप ज़्यादा खेलते हैं तो। अगर आप थोड़ा बहुत खेलते हैं तो उतना चलता है, उस वो एक तरीके का एंटरटेनमेंट है। लेकिन अगर आप सिक हैं, आप बीमार हैं उस चीज़ को खेलने के लिए, आप आदती हो चुके हैं, उस केस में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और आप अपने टाइम वेस्ट करने के साथ साथ अपने फिजिकल हेल्थ को भी डाउन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि किस तरीके से, क्या या क्या पबजी से, पबजी गेम को खेल करके पैसे कमाए जा सकते हैं, ये आज का क्वेश्चन है। दोस्तों देखिए, इसके लिए मैं आपको मैं बताना चाहूँगा मेरी तरफ से जो आंसर है इस चीज़ का, कि क्या ऐसा हो सकता है। जी हाँ, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। और ऐसा अगर हो सकता है दोस्तों, तो इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है? अगर आपका पैशन भी पूरा हो रहा है, साथ साथ में अगर आप कुछ अर्न कर रहे हैं, कुछ कमा रहे हैं, देन इट्स गुड, इट्स बेटर। गुड नहीं है, अच्छा है, बेस्ट है, बेटर है। तो दोस्तों, किस तरीके से कमाया जा सकता है, क्वेश्चन उठता है कि अगर ऐसा हो सकता है तो कौन सा तरीका है, कैसे कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आप स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, मैं आपको पूरी एंड तक यही बताऊंगा, और अच्छे से आप समझने के लिए पूरी एंड तक वीडियो को देखना पड़ेगा आपको, स्किप ना करिएगा, उससे आपको इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली नहीं मिलेगी। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, पबजी गेम खेल करके आप दो तरीके से पैसे अर्न कर सकते हैं, दो तरीके से आप मनी अर्न कर सकते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आपको, देखिए दोस्तों, एक चीज़ आपसे मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप अच्छे से, अगर आपको खेलना नहीं आता है, देन यू कैन नॉट अर्न मनी, बिकॉज पबजी से गेम खेल करके मनी अर्न करना इज़ नॉट अ सिंपल थिंग। ये इतना आसान भी नहीं है, आपको मास्टर होना चाहिए अपने उस गेम में, आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए खेलना। अगर आप अच्छे से खेलना नहीं जानते हैं, तो आप इन दोनों तरीक़ों में से किसी भी तरीके से आप नहीं कर सकते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से अगर आता है खेलना, तभी आप ये काम करेंगे। देखिए दोस्तों, पहला तरीका मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। पहला तरीका है, अगर आपको बहुत अच्छे से पबजी खेलना आता है, तो इस केस में आप पबजी से रिलेटेड कुछ वेबसाइट्स होती हैं, वो वेबसाइट्स टूर्नामेंट कराती हैं, जिसको हम लोग पबजी टूर्नामेंट बोलते हैं। इस पबजी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको स्टार्टिंग टाइम में थोड़ी सी फ़ीस देनी पड़ती है, एंड आफ्टर दैट आपका उसमें एनरोलमेंट हो जाता है, और आप फिर उस टूर्नामेंट को अपने ग्रुप में, चार लोगों के ग्रुप में आप खेल सकते हैं। आपका अपना ग्रुप होता है, स्क्वाड, जो पबजी स्क्वाड बोलते हैं, तो आप उस ग्रुप में, ग्रुप के साथ खेला जाता है बेसिकली, तो आप वहाँ पे खेल सकते हैं। टूर्नामेंट खेलना होता है बेसिकली, जैसे फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है, क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है, उसी तरीके से पबजी का भी टूर्नामेंट होता है। लेकिन यहाँ पे कराने वाली जो कंपनीज होती हैं, कोई वेबसाइट हो सकती है, कोई ब्रांड हो सकती है जो उसको प्रमोट करना चाहती है, तो अलग अलग तरीके होते हैं। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी फ़ीस देनी पड़ सकती है, ये है पहला तरीका। यहाँ पे दोस्तों, अगर हम, मैं बात करूँ कि लिमिट की, कितना आप कमा सकते हैं, बहुत कमा सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे करोड़ों अरबों तक कमा सकते हैं, बहुत बड़े बड़े यहाँ पे अमाउंट बिड करे जाते हैं यहाँ पे। तो ये है तरीका दोस्तों टूर्नामेंट के थ्रू। अब मैं दूसरा तरीका अगर आपको बताऊँ दोस्तों, तो दूसरा तरीका है जो पबजी के थ्रू अर्न करने का, वो ये है कि आप यूट्यूब पे आप स्ट्रीमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, जहाँ पे आपको गेमिंग जोन का एक अलग प्लेटफॉर्म मिलता है। उस प्लेटफॉर्म पे आप अपना खुद के नाम से, खुद का नाम, एक खुद का एक चैनल क्रिएट करके आप उस पर नंबर ऑफ़ पीपल्स, जो भी आपके फ़ैन फॉलोइंग्स हो, आप उसको गैदर करके
अपनी वीडियो को लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, अपने गेमिंग को लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। इन दैट केस आपके फ़ैन फॉलोइंग आपके वीडियो प्लेइंग को डायरेक्टली वॉच करेगी, आपको देखेगी, आपके टैलेंट को देखेगी, आपके हुनर को देखेगी। क्यों? क्योंकि पबजी प्लेइंग इज़ नॉट अ टाइम वेस्टिंग, इट्स अ गेम ऑफ स्किल, इट्स अ गेम ऑफ स्किल, इट्स अ गेम ऑफ टैलेंट। ये एक टैलेंट का गेम है, एक स्किल की गेम है। यहाँ से ये चीज़ पता चलती है कि आपके इंटेलेक्चुअल पावर कितनी अच्छी है, ये सब चीज़ें पता चलती हैं, जिससे सामने वाले को एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है आपके अंदर, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी दिखती है, जिसकी वजह से उसको अच्छा लगता है तो वो कुछ डोनेट करता है। तो डोनेशन के थ्रू आप यहाँ पे लाइव स्ट्रीम करते हैं, और लाइव स्ट्रीम करते हैं तो आपको डोनेशन मिलता है, जिसके थ्रू आपको अर्निंग होती है। तो ये दूसरा तरीका है। और इसके अलावा आपको यूट्यूब की तरफ से भी कुछ ऐड चलते हैं, कुछ स्पॉन्सरशिप आपके पास आती है, और भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जहाँ पे आप अपनी लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सुनने में बहुत इजी लगता है, बट दिस इज़ नॉट सो इजी फ्रेंड्स। इट रिक्वायर्स वेरी हार्ड स्किल, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट गुड एट इट, यू कैन नॉट मेक मनी ऑन दिस टू प्लेटफॉर्म्स। दोनों में से किसी भी प्लेटफॉर्म से अर्न मनी इज़ नॉट सिंपल, यू विल हैव टू बी परफेक्ट हियर। यहाँ पे आपको परफेक्ट होना पड़ेगा। अब आपसे आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे लोग सोचते होंगे दोस्तों कि गेम खेलना, गेम खेल करके, यार देखो दोस्तों, गेम क्रिकेट भी तो गेम है, फुटबॉल भी तो गेम है, लेकिन उसी तरीके से पबजी भी एक तरीके की गेम है। ये एक ऐसी गेम है जो स्किल की गेम है। कोई भी गेम स्किल की गेम होती है, जहाँ पे आपको अपना टैलेंट यूज़ करना होता है, आपका माइंड यूज़ करना पड़ता है, आपकी नॉलेज इम्प्लीमेंट होती है, वो भी एक, तो उसमें दिस इज़ गुड थिंग ना, ये तो अच्छी चीज़ हुई ना। आप किसी चीज़ के बारे में सीख रहे हैं, सीखना तो अच्छी चीज़ है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ लर्निंग माई फ्रेंड्स, दिस इज़ अ लर्निंग विच बूस्ट यू। ये आपको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में काउंट करती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आपने सुना होगा इस चीज़ को। दिस इज़ अ काइंड ऑफ यू नो, उसी तरीके की एक गेम है। अब दोस्तों, क्वेश्चन उठता है कि पबजी को इंस्टॉल कैसे करें, डाउनलोड कैसे करते हैं। दोस्तों, इसके लिए पबजी जो है दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, पीसी पे भी है, और आप इस मोबाइल में भी प्ले कर सकते हैं, एंड्रॉयड में भी है, एप्पल एंड्रॉयड में भी है, और उसमें मतलब दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, एंड्रॉयड भी है, और उस पर एप्पल के जो फ़ोन होते हैं उसमें भी आपको मिल जाएगी, iOS में। और ये आप पीसी पे भी खेल सकते हैं, अगर आप पीसी है, आपके पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, इन दोनों में से किसी पे भी आप खेल सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे प्ले स्टोर से आप एंड्रॉयड पे अपने फ़ोन में फ्रीली आप इंस्टॉल कर पाएंगे, लेकिन अगर पीसी पे अगर आप प्ले करना चाहते हैं, इन दैट केस यू विल हैव टू बाय इट, आप उस केस में आपको परचेस करना पड़ेगा, फ्री नहीं है पीसी पे। तो इस तरीके से आप इसे अर्न कर सकते हैं, दिस इज़ पॉसिबल माई फ्रेंड्स, दिस इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है। लेकिन इसके लिए आपको अच्छी स्किल होनी चाहिए आपके अंदर, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस पर। और आप बहुत ऐसे गेमर्स हैं, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बहुत सारे ऐसे गेमर्स दिखा सकता हूँ जो आज कहाँ से कहाँ चले गए। कैरी मिनाटी का आपने नाम सुना होगा, कैरी मिनाटी के अलावा बहुत से ऐसे लोग पड़े हुए, मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया। ये सब गेमर्स हैं, लाइव स्ट्रीम करते हैं, लोग इनको डोनेट करते हैं, बहुत बड़े बड़े अमाउंट डोनेट करते हैं, और ये बहुत अच्छा खेलते हैं, लोगों को अच्छा लगता है इनको देखना। तो दोस्तों, मेरी आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ पता चला होगा आपको पबजी से रिलेटेड। तो आप इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और दोस्तों मेरे इस चैनल को लर्निंग टेक्निकल 777 को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। बेल आइकन का एक वहाँ पे बेल का एक आइकन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर दीजिए, उससे आपको मेरी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो को नंबर ऑफ़ पीपल, जितने लोग आपसे कनेक्टेड हैं, आप सब में शेयर कर डालिए, किसी भी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हो, चाहे फेसबुक यूज़ करते हो, व्हाट्सएप यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, ट्विटर यूज़ करते हो, टम्बलर यूज़ करते हो, कुछ भी आप यूज़ करते हो, सब पे आप इसको शेयर कर दीजिए। सो दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।